इंशाल्लाह दिस ईयर ऑन 14 मार्च हम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि इंशाल्लाह 2022 में, जी 22 में 14 मार्च को ही हम कल्चर डे अपने डिवीजन में और इस तरह से पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में 36 अजला में ये दिन मनाया जाए। रिसेंटली अभी भी हम रजिस्ट्रेशन ओपन है, 31 दिसंबर तक फनून लतीफा से जुड़े हुए कोई भी लोग, कोई भी लोग आके हमारे पास रजिस्टर करवाएं। और अभी सो फार जो हमारा डिवीजन है उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करवाया। इसके बाद आर्ट काउंसिल में की अचीवमेंट्स में एक तो हम टैलेंट हंट में टैलेंट सामने लेके आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमारे अपने डिवीजन के बच्चे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट इनाम लेके आए, तो डेफिनेटली आर्ट्स काउंसिल की और पंजाब हुकूमत की काविश थी जिनको हमने मौके फराहम किए। हमने बसानी है नई खुशियों की बस्तियां, हमने बसानी है नई खुशियों की, आओ बन जाओ हम आवाज मेरे साथ चलो। हम तेज चैनल की तरफ से, मैं हूँ सिमी आजे। आज हम आए हैं मुलाकात के लिए फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में, यहाँ के डायरेक्टर ज़ाहद इकबाल साहब के साथ मुलाकात करने। अर्ली मॉर्निंग है आज, हम इनके साथ चाय पीने यहाँ बैठे हैं और इनसे कुछ बातें शेयर करेंगे, इनके कैरियर को लेके, इनकी जॉब को लेके, जो कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल का एक नाम है और इस नाम को ये किस तरह से बरकरार रखे हुए हैं और इसको कैसे यहाँ पे चला रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आपने जब ये फैसलाबाद आर्ट काउंसिल ज्वाइन किया तो कैसे आपका ये रुझान बना कि यार मुझे इस चीज को ज्वाइन करना चाहिए, कि किस तरह से आप इस लाइन में आए? अच्छा, इस तरह से इस लाइन में आए कि मैं तो एक कंसल्टेंट के तौर पे लाहौर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था और एक इश्तिहार देखा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से और उसमें हमने अप्लाई किया। शौक था शुरू से ही और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये सारा कुछ देख के कि आर्ट एंड कल्चर पैशन था, बड़ा दबा हुआ, बड़ी देर से पैशन था, बस उस पैशन हमें ले आया इस पर। यानी कि आप पैशन से यहाँ तक चलते चलते आए? जी बिल्कुल, पैशन से, अपने ज़ौक और शौक से आए हैं। और जब सर आपने इस सीट को ज्वाइन किया तो क्या क्या मुश्किलात आप सामना करना पड़ा आपको इन चीजों को लेके? सीट को ज्वाइन करने के लिए तो कोई मुश्किलात नहीं हुई, एक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होते हैं, हम ज्वाइन करते हैं। लाहौर एडम्स में हमने ज्वाइनिंग दी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई, ये मेरी पहली पोस्टिंग है फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में। हाँ, जॉब में कुछ ना कुछ जाहिर है कि कोई ना कुछ चीजें चल रही होती हैं, वो एक रूटीन की बात है, ऐसी कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। सही हो गया। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की एक साल की कारकर्दगी पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। एक साल में से 6 महीने तो हमने कोविड का पिछले साल किया, सामना किया, और पिछले तकरीबन 6 महीने में हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ की हैं। जस्ट रिसेंटली एक शान रहमतुल आलमीन वीक मनाया, उसमें हमने महफिल समा की, नाक के मुकाबले कराए, बच्चों के तकरीरी मुकाबले कराए और इस तरह से हमने शान रहमतुल आलमीन से पहले भी कुछ प्रोग्राम बच्चों के लिए और शोरा हज़रात के लिए और ड्रामा की तरफ हम लोगों ने एक वर्कशॉप करवाई, तो काफ़ी एक्टिविटी रही पिछले 6 माह से। उससे पहले जो है हमारे पास थोड़ा सा एक लॉकडाउन की सिचुएशन थी, जैसी एक्टिविटी ओपन हुई है तो हमने काउंसिल के दरवाजे खोले हैं लोगों के लिए। अब तो माशाल्लाह रौनक है, हर हफ्ते ही हमारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अब भी बैठक बहाल हो चुकी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, आज भी हैं, कल भी थी, परसों भी हैं और पिछले हफ्ते भी थी। आपके नज़दीकी कोरोना जो कि लॉकडाउन वगैरह गुजरे हैं, इसका क्या नुकसान हमारी आर्ट को हुआ है या हमारे जो फनकार हैं, अदाकार हैं, इनको किस सेंस में आप लेते हैं? दो तरह से इसका नुकसान हुआ। सबसे पहले तो इसके जो फाइनेंशियल साइड है, इसके साथ जुड़े हुए लोगों का, हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे ऐसे लोग जो कि आर्ट काउंसिल की मदद से एक्टिविटीज करते हैं और यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और ना कि सिर्फ आर्ट्स काउंसिल में, बाहर भी स्टेज है, ड्रामा है, टीवी है, दूसरे हैं, तो वो जो रिकॉर्डिंग के सिलसिले थे, वो जो स्टेज के सिलसिले थे, वो जो एक्टिविटी के सिलसिले थे, वो बंद हो गए, तो उनके फाइनेंशियल साइड काफ़ी वीक हो गई। और सेकंडली जो है, जब हम किसी चीज़ को करना छोड़ देते हैं, कोई भी हमारी एक्टिविटी हो, हमारी आदत में शामिल हो जाती है, चाहे वो आर्ट का कोई शोबा है या कुछ प्रैक्टिस है, तो जब हम उसको छोड़ देते हैं तो हमारी जो तख्लीकी और तकनीकी सलाहतें हैं उनमें भी फर्क पड़ता है। तो इस तरह से दोनों तरह से, और बहुत सारी और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से कोरोना ने ना कि सिर्फ हमें, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इफेक्ट किया, सारे हम उसके अभी रिकवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे हालात दोबारा ना आए। सर ये फैमिली ड्रामा, फिल्म हो गया, इस ये सब एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आर्ट काउंसिल को लेके, आपके ख्याल में जो यहाँ के लोग हैं, सिटीजन हैं लोग, इनको कैसे हम लोग बताते हैं कि जी आर्ट काउंसिल में आज ये प्रोग्रामिंग हमारी हो रही है, आप अवेयरनेस कैसे इन लोगों तक पहुँचाते हैं?
हाँ, अवेयरनेस के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जिसमें सोशल मीडिया सारे फहरिस्त है, और सोशल मीडिया में हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे ट्विटर हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं। एक तो वो जनरल पब्लिक के लिए वो हमारा मीडियम है, उसको लोग हमें फॉलो करते हैं, वहाँ से होता है। सेकेंडली जो है हम लोग अपना प्रिंट मीडिया के जरिए हम अखबार में इसके प्रेस रिलीज शाया करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी हो रही होती है उसको एक दिन पहले हम प्रेस रिलीज जारी करते हैं, शहर के लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। और जो हमारा एक थोड़ा सा इफेक्टिव मीडियम है वो है व्हाट्सएप के ग्रुप्स। हमने मुख्तलिफ व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्रामिंग के साहिबान हैं, इंचार्ज हैं, वो उसके ज़रिए भी दावत देते हैं और शहरियों को हम बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं जो भी एक्टिविटी होने वाली होती है। सर, सुनने में था कि 14 मार्च को आप लोगों ने कल्चर डे के नाम से इसको डिक्लेयर किया हुआ, तो उस पर वर्किंग स्टार्ट हो रही है या होगी या क्या इसका सीन है? जी बिल्कुल, 14 मार्च पंजाब ने सीएम साहब की डायरेक्शन के मुताबिक 14 मार्च पंजाब कल्चर डे लास्ट ईयर भी मनाने की कोशिश की गई, सो फार कुछ कोरोना एसओपीज की वजह से हमें उसको बंद करना पड़ा, नहीं हो सकी थी, लास्ट मिनट में हमने उसको कैंसिल किया, और इंशाल्लाह दिस ईयर ऑन 14 मार्च हम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, यानी कि इंशाल्लाह 2022 में, जी 2022 में 14 मार्च को ही हम कल्चर डे अपने डिवीजन में और इस तरह से पूरे पंजाब में, पूरे पंजाब में 36 जिला में ये दिन मनाया जाएगा। और सर, जो न्यू बॉयज हैं या गर्ल्स हैं वो यहाँ आना चाहें, यहाँ से कुछ सीखना चाहें या यहाँ से कोई काम स्टार्ट करना चाहें, उनके लिए क्या अवेयरनेस है कि वो यहाँ कैसे आए, यहाँ तक कैसे अपना ताल्लुक बनाए? जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल के दरवाजे सुबह 9 बजे खुलते हैं और रात गए तक हम लोग यहाँ बैठे होते हैं, ऑफिशियल टाइम तो हमारा 9 to 4 है, और लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे हमने क्लासेस का यहाँ पे आगाज कर दी है, आप ये इंटरव्यू के बाद मैं आपको विजिट भी करवाता हूँ, म्यूजिक क्लास हो रही है वहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करवाइए, आर्ट क्लासेस हो रही हैं, हम कैलीग्राफी भी सिखा रहे हैं, पेंटिंग भी सिखा रहे हैं, दस्तकारी की भी क्लासेस होने जा रही हैं, तो लोग स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे आएँ, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, हम उन्हें कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे और टीचर्स हमारी हेल्प आउट कर रहे हैं इस सिलसिले में, आएँ और जो भी वो सीखना चाहते हैं किसी भी फील्ड में वो इंटरेस्टेड हैं हमसे आके डिस्कस करें, अगर हमारे पास अभी अरेंजमेंट है तो उसमें हम इन्हें एनरोल करते हैं, उसमें अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली हमने एक ड्रामा वर्कशॉप करवाई तो आप ही के शहर के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, स्टूडेंट्स तकरीबन को 20-25 स्टूडेंट्स जो थे उसमें हमने बड़े रिफाइंड किस्म के हमारे सामने आए, वही स्टूडेंट अभी एक फैमिली ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह दिसंबर की 18 को या 20 को भी हम डेट डिसाइड कर रहे हैं, तो 3rd week ऑफ दिसंबर में इंशाल्लाह हम लोग एक फैमिली ड्रामा पेश करेंगे। वही टीम है जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड की, यहाँ से सीखा और हमारे पास फॉरेन क्वालिफाइड टीचर थे, उन्होंने आके उनको ट्रेनिंग दी, उनसे बातचीत की, उनको सिखाया कि स्टेज क्या चीज़ है, कैसे होता है, तो वही बच्चे एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। तो ड्रामा स्पेशली हम इस चीज़ को बड़ा मिस कर रहे थे कि जो फैमिली ड्रामा है उसके ऊपर आर्ट्स काउंसिल काफ़ी एफर्ट कर रही है कि उसका रिवाइवल होना चाहिए। सर, एक बात आपने बीच में बोली कि विदाउट कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे कुछ पे नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स को? जी हाँ, सो फार हम लोग स्टूडेंट से कोई फी चार्ज नहीं कर रहे, चाहे वो म्यूजिक सीख रहे हैं या आर्ट क्लासेस सीख रहे हैं, क्योंकि तादाद बहुत कम है, वी कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस, और डाउन टू द रोड अगर हमारी तादाद और हमें टीचर इजाफा करने पड़े, अभी तो हमारे पास एक क्लास के लिए एक टीचर है, अगर हमें टीचर्स का या ज्यादा क्लासेस करने पड़ेंगे तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर कोई ऐसी मशावरत कर सकते हैं। सो फार एवरी स्टूडेंट्स वेलकम इन काउंसिल, अपने आप को रजिस्टर करवाएं और क्लासेस में अपना जो भी सीखना चाहते हैं हमसे आगे शेयर करें। और आर्ट काउंसिल की फलाह बहबूद के लिए आपकी क्या तरजीहात है सर? मेरी पर्सनल तरजीहात तो मेरा टाइम है, मेरी कोशिश है, मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं यहाँ पे भरपूर तरीके से अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी रही गवर्नमेंट साइड पे तो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के तवसत से हुकूमत पंजाब आर्टिस्ट सपोर्ट फंड में हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनकी इमदाद करती हैं, गाय बकाय स्कीमें आती रहती हैं और पहले भी आ चुकी हैं, उनको फाइनेंशियल साइड पे हेल्प आउट किया जाता है। रिसेंटली अभी भी हम रजिस्ट्रेशन ओपन है, 31 दिसंबर तक फनून लतीफ़ा से जुड़े हुए कोई भी लोग आके हमारे पास रजिस्टर करवाएं, और अभी सो फार जो हमारा डिवीजन है उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करवाया है, तादाद थोड़ी कम है, अपने तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा तादाद को रजिस्टर होना बाकी है, इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड किया डेट को। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि लोग आते तो ज़रूर है लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से बीच में स्किप हो जाती है चीज़, इतनी तादाद नहीं हो पा रही।
नहीं, अवेयरनेस तो बिल्कुल उन्हें है। देखिए, अभी जो फनकारों की, आर्टिस्ट की रजिस्ट्रेशन है, हमने अपने तमाम मीडियम यूज़ किए हैं। अब इस सैटरडे और संडे को एक बड़ा इश्तेहार भी आने वाला है, पूरे पंजाब के सारे अखबारों में भी आएगा। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, हमारे पास जो सोशल मीडिया है, हमारी अपनी वेबसाइट्स हैं, हमारे अपने प्रेस हैं, टीवी है, जैसे कुछ लोकल चैनल्स को हमने एक दो दफा हफ्ते में ये छोटे छोटे हम टिकर और इंटरव्यू भी देते हैं रजिस्ट्रेशन के मुतालिक। आर्ट्स काउंसिल अपनी भरपूर कोशिश कर रही है कि हम मेरे पूरे डिवीजन तक ये बात पहुंचे, और सारे आके आपके तवस्सुस से भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले आइए, दो तस्वीरें, आईडी कार्ड की कॉपी, और जिस भी फन को आप क्लेम करते हैं कि आप उसमें मास्टरी रखते हैं, उसको आके आप रजिस्टर करवाइए। एक लार्जर डाटा बैंक हुकूमत पंजाब इकट्ठा करने जा रही है, और यही डाटा बैंक हम अपने हेड ऑफिस को देंगे, जो कि बाद में आने वाली स्कीमों में आप ही लोगों को बेनिफिट होने वाला है। सही सर, इसके अलावा कौन से ऐसे बड़े प्रोग्राम्स हैं जो कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में आने वाले हैं मजीद आगे? जी हाँ, उसमें एक तो हमारे पास टैलेंट हंट हर साल ही होता है, ये उसका तीसरा सीजन है, 3 साल से हो रहा है, ये तीसरा सीजन है उसका। तो पंजाब का टैलेंट हंट प्रोग्राम आ रहा है, 31 दिसंबर तक उसकी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और जनवरी में और फेब में हम इंशाल्लाह इसको फुल लॉन्च करेंगे। टोबा टेक सिंह, जंग, चन्योट, फैसलाबाद में हर डिस्ट्रिक्ट में ये होगा, और हुनरमंदों की तलाश बिल्कुल जारी है हमें, और उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसमें ड्रामा भी है, थिएटर भी है, फोक डांस भी है, फाइन आर्ट्स भी है, क्राफ्ट भी हैं, और मौसीकी भी है। नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छे मौके हैं कि वो स्कूलों के, कॉलेजेस के, इवन दो इसमें जो फोक डांस है उसमें कोई तालीम की कैद नहीं है, उम्र 16 से 40 साल है, तो आप लोग अपने अपने शोबे में परफॉर्म करें। हुकूमत पंजाब पूरा जोर लगा रही है कि हुनरमंदों को मौके दिए जाएं और उनको हम सामने भी लेके आए। इनामात भी हैं इसमें, ना कि सिर्फ कॉम्पिटिशन होगा, इसमें 25,000, 15,000, 10,000 के इनामात भी हैं, और बड़ा इनाम, जैसे हम अपने डिवीजन में और बाकी तमाम डिवीजन में भी मुकाबला जात हो जाएंगे तो पंजाब में एक बड़ा टैलेंट हंट मुकाबला होगा, जिसमें 2 लाख तक के इनामात, 1.5 लाख के इनामात और 1 लाख के इनामात भी दिए जाएंगे। सर, आपने सुना है हम लोगों ने भी कि यहाँ पे आर्ट काउंसिल में क्लासेस का स्टार्ट हो रहा है, क्या ये जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है इनमें जो टीचर्स आ रहे हैं ये बच्चों के साथ बिल्कुल उसी तरह से बैलेंस रख के चलते हैं चेकआउट को, या उनको भी आगे से तरबियत आप लोग फ्राहम करते हैं इसी तरीके देखिए, से? हमारे पास जो भी टीचर हैं उनका वी रियली अप्रिशिएट देम कि वो अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक हमारे पास आ रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, आर्ट्स काउंसिल की रिक्वेस्ट के ऊपर, कि आपके शहर के लोगों को आपकी ज़रूरत है, और बहुत ही मंझे हुए साथ इकराम उन्हें क्लासेस देने जा रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो फाइन आर्ट्स है, और चाहे वो दस्तकारी है। यहाँ पे उस तादाद को बढ़ाइए, शहर के लोगों से अपील है कि जो लोग दस्तकारी के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, म्यूजिक के लिए, या किसी भी शोबे में कोई दिलचस्पी रखते हैं तो वो काउंसिल में तशरीफ लाएं, हम अरेंज करेंगे, टीचर साहिबान से हम रिक्वेस्ट करेंगे। और माशाल्लाह टीचर साहिबान की तो ख्वाहिश होती है कि अगर उनसे कोई सीखना चाहे तो इल्म को फैलाने के लिए वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं। अब हम पे डिपेंड करता है कि जरा सी कोशिश हमें तो करनी है ना। खुदा कि इंसान हिम्मत जी करेगा तो जी आगे बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ेगा। आप खुद आइए, जितनी जितनी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, अभी तक हमारे पास जो भी टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो क्लासेस को बड़े खुश उसलूबी से सर अंजाम दे रहे हैं। और ये फैसलाबाद आर्ट काउंसिल की मजीद आने वाली अचीवमेंट के बारे में कुछ बताइएगा। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में की अचीवमेंट्स में एक तो हम टैलेंट हंट में टैलेंट सामने लेके आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी हमारे अपने डिवीजन के बच्चे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग में फर्स्ट इनाम लेके आए, तो डेफिनेटली आर्ट्स काउंसिल की और पंजाब हुकूमत की काबिश थी, जिनको हमने मौके फराहम किए और वो डिवीजन भर में लेके आए। पोइट्री में हमने पोजीशन हासिल की, मौसीकी में हमने सेकंड पोजीशन हासिल की, तो ओवरऑल डिवीजन ने 4 बड़ी पोजीशन लेके आए। तो इसी तरह से अभी भी इसी ये कोशिश है कि हम अपने डिवीजन में जो टैलेंट हंट कराने जा रहे हैं वो नौजवानों को ही मौके फराहम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों ने आगे आके स्टेज को, आगे आके तालीम के मैदान में, खेलों के मैदान में आके नाम रोशन करना है। तो हमारी एफर्ट तो है अभी उसको कंटिन्यू करना, हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें देते हैं, उनके मुकाबले करवाते हैं और उसको वो कंटिन्यू रखें। इस साल भी हो रहा है, जो बच्चे पिछली दफ़ा आए थे वो भी करेंगे, अपने साथ और 10 बच्चे लेके आएंगे, तो उस एफर्ट में कदरे हम लोग कामयाब होते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास ऐसे मौके फराहम करने के लिए मौजूद हैं, और मुल्क कौम के बच्चे जो हैं उसको अवेल करें और आगे बढ़ें, प्रैक्टिस जारी रखें। सही सर, आपने कहा कि आप भी अदब और खताबत से थोड़ा सा लगाव रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, शहर फैसलाबाद, शहर नाद भी है,
अदबा इकराम हैं, शोरा हजरात हैं, उनसे मुलाकातें रहती हैं, मुशायरे करवाते हैं, अदीबों से मिलते हैं और दिलचस्पी का आलम यूं समझिए कि बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलना भी, पढ़ना भी, सुनना भी, और ये सिलसिला जारी है। सर आप खुद भी लिखते हैं? कोशिश करता हूँ। कुछ सुनाएंगे? उसको हम दूसरे सेशन में रखते हैं। हम तेज टीवी को सर आप अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल, एक गजल, ताजा गजल है, वो आपकी नजर करते हैं। मेरे हमदम मेरे हमराज मेरे साथ चलो, मेरे हमदम मेरे हमराज मेरे साथ चलो, कर रहा हूँ सफर आगाज मेरे साथ चलो। मेरे अशार पे भी तुमको खुशी होती है, मेरे अशार पे तुमको भी खुशी होती है, तुम हो इस शौक के गमाज मेरे साथ चलो। बस्तियां हमने बसानी है नई खुशियों की, बस्तियां हमने बसानी है नई खुशियों की, आओ बन जाओ हम आवाज मेरे साथ चलो। और एक ही धुन में सुनाएंगे जहां को नगमे, एक ही धुन में सुनाएंगे जहां को नगमे, दिल के बज उठेंगे हर साज मेरे साथ चलो। और दोस्तों और किसी शय की तमन्ना भी नहीं, दोस्तों और किसी शय की तमन्ना भी नहीं, बस यही है मेरा एजाज मेरे साथ चलो। सिर्फ लब ही नहीं धड़कन भी गवाही देगी, सिर्फ लब ही नहीं धड़कन भी गवाही देगी, है मेरे दिल की ये आवाज मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। थैंक यू। सर आर्टिस्ट के लिए क्या कर रहे हैं? आर्टिस्ट के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आर्टिस्ट सपोर्ट फंड अभी इस साल का जो आएगा तो हम उसमें उनकी कुछ फाइनेंशियल हेल्प के लिए लिस्टें बना रहे हैं, वो हेड ऑफिस जाएंगी, वहाँ से जो है इनकी फाइनेंशियल हेल्प के लिए, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पहले भी इनकी हेल्प हो चुकी हुई है और अभी भी इनकी फाइनेंशियल हेल्प होने जाएगी। सही हो गया सर। इसके अलावा देखा जाए तो आर्टिस्ट को मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे देखा जाता है। हम लोग कहते थे कि तुम लाहौर जाओ, लाहौर जाके कुछ सीखने को मिलेगा, करने को मिलेगा, कुछ हमें वहाँ पे कोई सीढ़ी मिलेगी। यानी कि अब फैसलाबाद में ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया कि इजीली यहाँ पे लड़के लड़कियाँ आके न्यू यंगेस्ट, इवन देन कि आपने यहाँ तक बोला कि उम्र की कोई कैद नहीं है, कुछ कैटेगरीज में उम्र की कोई कैद नहीं जी, तो यहाँ आके इजीली वो लोग अपने आप को स्टार्टिंग दे सकते हैं। जी ले सकते हैं। देखिए लाहौर की तरफ जो हमारे आर्टिस्ट रुख करते हैं उसकी जो बुनियादी रीज़न है वो कमर्शलाइजेशन है, वहाँ पे कमर्शियल वर्ल्ड है और हर एक बंदा समझता है कि उसको क्विकली फौरन ही फौरन उसका वो जो फाइनेंशियल साइड है उसमें उसकी कोई ना कोई हेल्प हो जाए, वो एक बात ठीक है। मगर जो फैसलाबाद या पंजाब के दूसरे ज़िला हैं वो एक नर्सरी का काम ज़रूर कर रहे हैं। स्टेज को देख लीजिए तो मोस्टली जो इस वक्त लाहौर में या पाकिस्तान में परफॉर्मर हैं मोस्टली या बेहतरीन का ताल्लुक फैसलाबाद से है, तो हम अपने डिवीजन के अंदर एक नर्सरी का काम तो जरूर कर रहे हैं और जो फर्स्ट स्टेप है उस पर तो हम लोग उनके साथ खड़े हैं। उसके बाद जब वो चलना शुरू हो जाते हैं तो चाहे वो लाहौर जाएं, कराची जाएं, इस्लामाबाद जाएं, पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया उनके लिए है और उनका ये राइट भी बनता है। हमारा हम तो शुरू स्टेज में उनके हेल्प आउट करने के लिए हर वक्त तैयार है। सही, लेकिन सर हमारा जो स्टेज है फैसलाबाद में, जो यहाँ से लोग गए हैं स्टेज कर रहे हैं, तो क्या वो फैसलाबाद के स्टेज को टाइम नहीं देते? फैसलाबाद के स्टेज को टाइम बिल्कुल देते हैं और वो गालिबन यहाँ के स्टेज चलते भी उनके कोलैबोरेशन के साथ ही हैं। हमारे लोकल आर्टिस्ट भी हैं, वो भी आते रहते हैं, उनमें कुछ बड़े नाम हैं, जाहिर बात है वो लाहौर में भी काम करते हैं, गुजरांवाला में भी, मुल्तान में भी, तो दे कम एंड गो। डेफिनेटली उनके एक जो कमिटमेंट है थिएटर्स के साथ है, तो जहाँ पे उनका आई गेस एग्रीमेंट होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है या टाइम डेट उनका स्केड्यूल बनता है, वो अपने स्केड्यूल के ऊपर यहाँ पे भी आते हैं, सब जगह पे करते हैं। सर आपके ख्याल में जो पहले का एक रिवाज था, जो खतो खताबत थी, लिखने पढ़ने पे लोग न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, समझते थे, फिर उस एक खबर दूसरे तक पहुँचती थी, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आपके ख्याल में जो पहले की जनरेशन का जो एक खतो खताबत वाला सीन था, जो आज की न्यू जनरेशन का स्टार्टिंग हो गया अपना सोशल मीडिया का, ये दोनों एक साथ चल पाएंगे? दोनों एक साथ नहीं चल पाए तो एक आगे निकल गया दूसरा पीछे रह गया,
हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक चीज़ आधे घंटे में एक खत लिखते हैं, अभी उसका टाइम कम हो गया है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई है, खत यहाँ से जाता था तीसरे दिन मिलता था या आम डाक से 5-5 दिन बाद मिलता था, आप व्हाट्सएप पे या ईमेल के ऊपर मिसाल लें तो विद इन सेकेंड्स आपको दूसरी तरफ पैगाम पहुंच जाता है। गालिबन टाइम के साथ साथ हमें भी इतनी अडाप्टेशन हमें होनी चाहिए कि हम जो नए मीन्स हैं, कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, उनको अडाप्ट करें। और इस कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बच्चों में कुछ लिखने का शौक कम हो गया है, जिसकी वजह से ही अब जोर लगाया जा रहा है कि वो लिखने के ऊपर तवज्जो दें। लिखाइयाँ बच्चों की अच्छी नहीं है, पहले हम तख्ती लिखा करते थे और उसकी अपनी ही खूबसूरती थी, मगर उसका यह मकसद नहीं है कि अभी भी आज के दौर में हम तख्ती ही लिखें। नहीं, हमें जदीद दौर के साथ चलना है, उन मीन्स को ही यूज़ करना है, वरना तो हम फिर पीछे रह जाएंगे ना। हाँ, उनको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, उसके ऊपर हम लोग अपने हर बच्चा ईमेल कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अपना जो कल्चर है उसको हम लोग प्रिजर्व जरूर करके रखें, उसको याद रखें, उसको हम लोग एज ए अपनी विरासत लेके चलें, और उसके साथ जुड़े रहने का तरीका यही है कि हम उसको भी याद रखें और नए दौर के जदीद तकाजों के साथ भी अपने आप को हम आंग रखें। कहने का मकसद यही है कि जो हमारी खतो खताबत वाला सीन था या पढ़ने का एक सीन था, लर्निंग थी, लोग पढ़ते थे उस चीज़ को, समझते थे, रीड करते थे, लेकिन अब वो चीज़ पीछे दबती जा रही है। वेल, उसका मीन्स चेंज हो गए हैं, मॉडिफाई हो गया है, क्योंकि तालीम पहले से ज़्यादा बेहतर हो गई है, किताबें, नॉलेज ज़्यादा एक्सेसिबल है। पहले किसी लाइब्रेरी में ही जाके आपको बैठना है, किताबें देखनी है, अभी मैं यहाँ अपने सिस्टम पे बैठे हुए लाइब्रेरी को भी सर्च आउट कर सकता हूँ, यूएसए, यूरोप, यूके की लाइब्रेरी को यहाँ से डिग आउट कर सकता हूँ, और मुझे कोई चीज चाहिए तो विद इन मिनट्स सेकंड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम अब क्योंकि तेज है, उसकी स्पीड के साथ हमें चलना है, इसलिए आज के मीन्स हम इनकार नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि जो खतों खताबत वाले से, हाँ अपने शौक के साथ, मैं भी कभी कभी लिखता हूँ खत शौक के साथ, या हम आर्टिकल लिखते हैं या हम नसर निगारी करते हैं, तो अपना शौक उस तरह से हम पूरा करते हैं। बच्चों से अभी हमने शॉर्ट स्टोरी के जो मुकाबले करवाए थे, तो हमारा स्टोरी राइटर ही फैसलाबाद डिवीजन से पूरे पंजाब में फर्स्ट आया, दिस द गुड न्यूज फॉर यू। देखिए कि बच्चों में शौक है और वो लिख सकते हैं, प्रूव किया कि स्टोरी अगर वो उन्हें कलम से लिखी है तो आज भी वो अच्छा लिख सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में ये शौक और शौक बाकी रहे। हमें ये फख्र है कि आज हमने आर्ट काउंसिल में आपको मेहनत करते हुए और इसके लिए तंगो दो करते हुए हमारे कैमरे की आंख ने इस चीज को नोट किया। इसी के साथ अपनी होस्ट सिमी आजे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Oh,